क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई यार, कल एक शादी में जाना है तो उसके लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। यार शॉपिंग तो मुझे भी करनी है, लेकिन यार कहीं कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। भाई अगर डिस्काउंट चाहिए तो कैश करो ऐप यूज़ करना। कैश करो? ये क्या है भाई? भाई कैश करो ना, इंडिया का लार्जेस्ट कैशबैक एंड कूपन साइट है, जहाँ पे खुद रतन टाटा सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। हैं? फिर तो यार एकदम सेफ लगता है। और पता इसके बारे में? भाई ये सेफ तो है, और यहाँ पे ना मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो और भी 1500 से ज़्यादा वेबसाइट है जहाँ पे तेरे को एक्साइटेड डिस्काउंट मिल जाता है, और कूपन के ऊपर से तेरे को एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल जाता है जो कि 100% रियल है। मतलब कि तू उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर एज ए गिफ्ट वाउचर की तरह यूज़ करके और भी शॉपिंग कर सकता है। मस्त है भाई। हाँ भाई इसे डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर तो इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकता है, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकता है। बस मेरा कोड यूज़ कर Aazam25, फिर तेरे को मिलेगा ₹25 का साइन अप बोनस। सही है भाई, लेकिन यार इसे यूज़ कैसे करूँ? देख भाई जैसे कि तुझे पता है मैं हमेशा मिंत्रा से ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मिंत्रा, ठीक है। उसके बाद में तेरे को ये ऑरेंज बटन में दिख रहा है एक्टिव कैशबैक, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब उसके बाद में तेरे को ये ना डायरेक्टली मिंत्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगी। अब वहाँ पे तेरे को जो खरीदना है खरीद, जो तू खरीदना चाहता है खरीद, ठीक है। उसके बाद में तेरे को यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू बैग। ऐड टू बैग करने के बाद में तेरे को यहाँ पे पेमेंट करनी है, अब तेरी मर्जी है तू COD करे, UPI, जैसे तेरा मन है वैसे तू इसकी पेमेंट कर दे। उसके बाद में जो तेरा कैश करो का जो कैशबैक है ना वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कैश करो की माई अर्निंग सेक्शन में, ठीक है। और जैसे कि मैंने तेरे को बताया 100% रियल है, तो तू इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है या फिर एज ए गिफ्ट वाउचर की तरह यूज़ करके और भी शॉपिंग कर सकता है। यार ये तो बहुत ठीक है, मैंने इसे अभी डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड कर ले, मतलब तेरे को बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। अरे हाँ मम्मी, हो गई शादी, जा रहा हूँ मैं अब घर। अरे मम्मी शेरे तक रुकूंगा क्या? मैं खाना खाया, कन्यादान लिखवाया और मैं आ गया। हाँ ठीक है, चलो बाय। आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? प्लीज चलो। क्या हुआ मैडम, बड़ी जल्दी में लग रही हो? अच्छा ये बताओ घर कहाँ है तुम्हारा? मैडम ये तो बता दो कि जाना कहाँ है, कहाँ छोड़ू तुम्हें? कहीं भी। कहीं भी मतलब? कहीं मतलब किसी रेलवे स्टेशन या किसी बस स्टॉप पर। वैसे तुम भी शादी सारी हो क्या? वही आजकल पूरी शादी में कौन रखता है, खाना खाओ और चलो। वैसे खाना कितना घटिया था ना। तुम लड़की वालों की तरफ से हो क्या? नहीं। फिर ठीक है, खाना सच्ची में बहुत घटिया था। तुम लड़के वालों की तरफ से हो? नहीं। लड़की वालों की तरफ से नहीं हूँ, लड़के वालों की तरफ से नहीं हूँ। अच्छा अब मैं समझा, तुम सिर्फ खाना खाने आई थी। होता है ना मतलब दीवार के पीछे से, तभी तुम इतनी जल्दी में हो। उस शादी की दुल्हनी मैं हूँ। क्या क्या? तुम दुल्हन हो? बाहर आओ। अबे दुल्हनों तो भाग क्यों रही हो? क्योंकि मुझे तो शादी नहीं करनी। अरे ये शादी नहीं करनी तो ये बात पापा को बोलो ना, मुझे क्यों बता रही हो? मैंने मम्मी को बोला था पर पापा को बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सही है, मतलब भागने की हिम्मत है, पापा को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैं उससे शादी करूँ जिसे पापा चाहते हैं? मैं तो किसी और को चाहती हूँ। अरे तो माते ये बात पापा को समझाओ ना, क्या पता वो मान जाए। मैंने ये बात मम्मी को बताई थी
और मम्मी ने पापा को बताई थी, पर पापा ने साफ मना कर दिया। अरे पापा लोग भी ना, अगर मान जाए तो क्या चला जाएगा। लेकिन अब क्या करूं, तुम कहां फंस गया, क्यों दी से लिफ्ट यार, कुछ सोच कुछ सोच कुछ सोच। वैसे अब आगे क्या करने का इरादा है, जिससे प्यार करती हूँ वो कहाँ है? अरे वो करती रहोगी, आगे बताओ ना कहाँ है वो? गाड़ी में बैठो। मैडम कुछ सोचा है या मुझे फंसवाने का इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये कि लिफ्ट मैंने तुम्हें दी, पुलिस से मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से गाड़ी में तुम मेरी हो और मजे वो लेगा। क्या? I mean, सारा इल्जाम तो मेरे सर आएगा ना। तुम एक काम करो, मुझे ना रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप छोड़ो, मैं चली जाऊँ। रात होने वाली है, पुलिस कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढेगी। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन यार मेरे साथ वो दो चूतिए भी तो रहते हैं, अगर किसी को पता चल गया ना तुम यहाँ पे हो। क्या हुआ? बस ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो, क्योंकि मेरे साथ ना मेरे दो चूत आई मीन मेरे दो दोस्त भी रहते हैं, तो बस किसी को पता ना चले। यार घर में तो आ गए, इनसे तो छुपा लिया, लेकिन और कैसे छुपाऊंगा मैं, ये किसी को पता लग गया ना मेरे लग जाएंगे। अच्छा वैसे नाम क्या तुम्हारा? संदीप। अच्छा वैसे ऐसा कौन सा लड़का था कि मतलब तुम्हारे पापा को पसंद था तुम्हें पसंद नहीं था? तुम सुल्तान को जानते हो? सुल्तान को नहीं, ऐसा तो नहीं जानता, लेकिन एक ही लड़का है वो विधायक का। मैं उसी की बात कर रही हूं। क्या तुम विधायक के लड़के सुल्तान की बात कर रही हो? मतलब कि मैं विधायक के लड़के सुल्तान की बीवी को भगा के लेके आया हूँ? मेरी शादी नहीं हुई है उससे। अरे वो तो मानता होगा ना कि तुम उसकी बीवी हो। मेरे लग गए, मैं मर गया भाई। मैं नहीं बच सकता, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों लिफ्ट दी यार तुम्हें? क्या करूं, किसे बताऊं, कोटी घंटे भाई मर गया, मैं मर गया, कहां जाऊं? ओ भाई क्या करूं, मैं सुल्तान की बीवी को भगा के लेके आया हूँ मैं। किसी ने गाड़ी का नंबर नोट तो नहीं कर लिया होगा? पुलिस मेरे तो पीछे नहीं भाग। सही फंसवा दिया तुमने मुझे, मैं क्या करूँ। शिट यार, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो सुल्तान के यहाँ से तुम भाग के आई हो? मैं पूछा था। ओ तो जब मैं पूछूंगा तो तुम बताओगे कि मेरे लगा दिए तुमने, है ना? थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी के लगवा दी। थैंक यू माते। क्या कर दिया मैंने, गोटी घंटे मम्मी पापा मार देगा सुल्तान तो, उसकी बीवी को भगा लाया, मर गया। करके कितनी आराम से सो रही है। मेरी बात सुनो, तुम ना इस कमरे से बाहर मत जाना। ओके नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर मत जाना। कौन? तेरा पापा।
पापा को बोल कि मैं बिजी हूँ, बाद में मिलना। ओ भाई अंदर मेरी टी शर्ट पड़ी है, मुझे टी शर्ट दे दे मेरी। अरे मेरे रूम में तेरी कोई सी टी शर्ट नहीं है, चल। अबे उस टी शर्ट की बात करो ना, दो दिन पहले तू पहन के घूम रहा था। अबे चल बाद में ले लियो, चल। तू खोल रहा है, मैं गेट तोड़ू। अबे नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक। इसकी टी शर्ट कहाँ है? टी शर्ट तो अपने, इसकी टी शर्ट तुम्हें कैसे बताऊं? ये रुक। इसकी माँ का ऐसे तो नहीं दी थी मैंने इसको टी शर्ट। अब लियो साले मेरी कोई चीज। तीन बिरयानी पैक कर देना भैया। भाई तीन नहीं, चार करियो। चार क्यों? भूख लग रही है यार। आजकल तू ज्यादा नहीं खा रहा है? हाँ तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? हाँ वो भी ठीक है, कर दो भाई चार। आजकल आजम का क्या हो गया? क्या हो गया? ना तो रूम में जाने देता, ना तो खाना साथ में बैठ के खाता। डबल डबल खाना चाहिए इसे। भाई वो तो अपना वॉशरूम भी यूज नहीं करने देता है। तो इस बार का बिल इसी के ऊपर डालेंगे, डबल डबल खा रहा है ना ये। सारा हिसाब इसी पे डाल देंगे। और कमरे में नहीं घुसने देना इसे ना। तो ये पता है गोटी, तीन दिन पहले विधायक के लड़के की शादी थी और लड़की भाग गई है। अब हारेंगे जब खुद की बहू भागी है ना इनकी। लेकिन गोटी मानना पड़ेगा, लड़की में जिगरा है जो भाग गई, और सुनने में आ रहा है कोई उसे लेके भागा है। भाई असली जिगरा तो मुझे लग रहा है उस लड़के में है जो उस लड़की को लेके भागा है। अब पता नहीं क्या होगा उसका। सुल्तान ढूंढ तो ले गई उसे, अब जो उसका भूत बनाएगा। अबे नाम घंटा मेरा है और तू क्यों लटका हुआ खड़ा है? क्या हुआ? तू तो ऐसा बना रखा है जैसे लड़की लेके भागा है। हाँ भाई। अबे क्या बोल रहा है तू? भाई सुल्तान जान से मार देगा हमें। अबे भाई पता नहीं क्या रखा है उसे। अबे रखा क्या है तूने उसको? अरे भाई लग जाएंगे। भाई लग गए। बोल ना भाई। भाई घर में। घर में। अबे लग गए, मैं मरने जा रहा हूँ। अगर मैं खुद नहीं मरा तो वो मुझे मार देंगे। अबे मेरी गलती नहीं है यार, मुझे थोड़ी पता था कि विधायक के लड़के की शादी है। मैं तो लड़की वालों की तरफ से गया था यार। देखो लड़की वालों की तरफ से गया था, लड़की बगा लाया। अबे भाई यार पापा ने भेजा था कि शादी में जाना है, मैं तो शादी में गया था, खाना खा के लौट रहा था, लिफ्ट मांगी उसने यार, और मैंने बिठा दिया और उसने वही आके बताया कि दुल्हन ही वही है। अबे तुझे नहीं पता था वो विधायक की बहू है? अबे यार उसे क्या माथे पे लिखा था? उसे बोल जाएगी यहाँ से, बोल उसे। अबे वो उसे शादी नहीं करना चाहती और वो बाहर जाएगी और वो सुल्तान उसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। बोल भाई क्या करना है? अबे बोल क्या करना है? भाई देखो मेरी बात मानो, जब तक ये मामला शांति हो जाता ना उसे यहीं रहने दो प्लीज। मिलवा तो दे फिर उससे। चलो समरीन, मैं हूँ आजम, गेट खोलो।
अरे नहीं नहीं समझ, डरो मत, ये मेरे तो दोस्त हैं, ये घंटा है और ये गोटी है। हाय। हेलो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी चूती हो, वो पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा साले, हम चूती है, हमें कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अबे यार दोस्त हो, मुंह से निकल गया बस। वैसे लड़की तो मस्त है। सुल्तान जान से मार देगा हमें, कब तक रखना इसे भाई? बस 2-3 दिन और, जब तक ये मामला थोड़ा शांत नहीं हो जाता। जो भी करना है जल्दी कर भाई, ये मरवाएगा। इंदौर में? मतलब तुम यहाँ, वो इंदौर में कैसे? एक्चुअली हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे और किसी काम के लिए उसे इंदौर जाना पड़ गया, पर आज भी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन समरीन, बाहर तो हर जगह तुम्हारी तलाश हो रही है जगह जगह, फिर तुम कैसे जाओगी? आज तुमने आज तक मेरी बहुत हेल्प की है। तुमसे एक रिक्वेस्ट और है, तुम ना मुझे किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे छोड़ दो, फिर वहाँ से मैं खुद चले जाऊँगी और ये एक लास्ट हेल्प होगी। भाई मैं भी चलूंगा तेरे साथ। अबे नहीं यार, मैं जाऊंगा उसे स्टेशन पे छोड़ के वापस आ जाऊंगा। वो तुझे किसी ने देख लिया तो? यार गोटी, किसी ने देख लिया तो देख लिया। मैं नहीं जाऊंगा भाई फिर तेरे साथ। अरे भाई चूतिया हो रहा है क्या? अभी 10 दिन नहीं हुए उस लड़की से तुझे मिले हुए और तू उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है? यार गोटी, अब मैं जो कर रहा हूँ ना, मुझे वो करने दो, बट बिलीव मी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब मेरी वजह से। फिर मैं तेरे साथ चल लूंगा भाई, हमें नहीं, तू सही सलामत वापस आना चाहिए। कड़ा किदा छड़ा तू ही आके दस दे, रोंदे मेरे नैन नहीं हो, चैन ना तू हस दे तेरे ना। समरीन ये लो तुम्हारी टिकट, अब जो ट्रेन आ रही है ना वो सीधा तुम्हें इंदौर उतारेगी। आजम मुझे नहीं पता तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो, पर थैंक यू मत बोलो, बस पहुंचते ही ना मुझे एक मैसेज कर देना कि तुम सेफ हो। ट्रेन आ गई। जिंदगी हसीन है जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल, मरना भी तेरे नाल वे, सतरानु तोड़ी ना वे। यार ये अकेली कैसे जाएगी? आज अब तुझे इसके साथ जाना चाहिए, इसे छोड़कर
इसे छोड़कर वापस आ जाऊंगा। चल आजम चल। तेरे बिना कल्ले नहीं हूं रहना, मन जा तू करी ना शुदाइयां जे हां। भैया आयुष्मान यही रहता है ना? कौन सा उसका घर? मैडम रहता है नहीं, रहता था। था? था क्या मतलब? पता नहीं पिछले 15-20 दिन से गायब है वो। गायब मतलब? अरे मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर पिछले कुछ दिनों से उसके घर का ताला लगा हुआ है तो मैंने भी नहीं देखा। तू ही तो सब कुछ मेरा, सजना सवरना, तुझ संग जीना मैनू, तुझ संग मरना। तू ही तो सब कुछ मेरा, सजना सवरना, तुझ संग जीना मैनू, तुझ संग मरना। ख्वाब हकीकत कर दे अब ना सता, हाय आधी हूँ पूरा कर दे ओ सजना। सजना सजा क्यों खाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम अजाब ऐसे वो दे गया। मैंने अब तक सब कुछ खो दिया और वो यहाँ पर है ही नहीं। तुम्हारे पास उसका एड्रेस नहीं है? एड्रेस है और मैं एड्रेस पे गई भी थी पर वो वहाँ नहीं है। चलो मेरे साथ वापस। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा फिर क्या करूंगी यहाँ पे? मैं अपना देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। समरीन बहुत हो गया, खड़ी हो चलो। तुम्हें क्या लगता है मेरा सब कुछ चला गया इसके मतलब तुम्हारा चांस है? समरीन कोई और चांस ना मारे इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापिस चलो। ये जानते हुए भी कि वहाँ पे अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख भी लिया ना तो मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। चलो गया।
गेट किसने खोला? गोटी, घंटे, घंटे, अरे भाई तू आ गया। अच्छा भाई, भाई तू आ गया। अबे क्या हुआ, गेट खोल के क्यों भाग गया था भाई? वो गोटी। कहाँ गोटी? भाई वो तेरे को देखने गया था, 3 दिन हो गए, 3 दिन से ना फोन लग रहा है ना कुछ, और नीचे बता रहे थे किसी का किडनैप हो गया, मुझे लगा तेरे को मार के वो गोटी को उठा के ले गए भाई। अबे पागल हो गया क्या भाई? गेट खोल। भाई मैं गेट नहीं खोलूंगा, मैं हम तीनों में सबसे बाद में मरना चाहता हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे भाई गेट खोलते किसी ने गोली मार दी तो मैं हम तीनों में सबसे लास्ट में मरना चाहता हूँ। अबे यार घंटे तेरा लगा, तो एक काम कर, तो फब्रीज को के अंदर जा, मैं गेट खोल दूंगा और गेट बंद। फब्रीज अंदर जाओ। तू साले आ गया, मैं तुझे ढूंढने गया था। अबे वो छोड़, तू अंदर जल्दी। भाई मेरे साथ कोई और भी आया। कौन? हाय, ये मेरा कजन है, उसकी होने वाली। भाई गुट्टी, गुट्टी तू आ गया? गुट्टी, गुट्टी तू आ गया? आजम पानी ले यार। घंटे पानी ले गया। गोटी आप मुझे तो कुछ बात करनी है। क्या हुआ भाई? आना बात करनी है। नहीं बोल रहे। अबे आना यार बात करनी है उससे। इधर आ। ओ भाई तू क्यों लेके आया ने? भाई वो मेरी बुआ का लड़का है, मैं तेरी तरह किसी विधायक की बहू नहीं लेके आया। यार मैं उसलिए नहीं बोल रहा भाई, तू ला तो किसी को भी सकता है। फिर क्या हुआ भाई? वो यहाँ पे है। कौन? वो समरीन। क्या? पर तू तो उसे छोड़ने गया था ना? गया था मैं उसे छोड़ने। फिर पता मैं क्या करता, फिर मुझे उसे वापस लाना पड़ा। भाई तू मरवाएगा? अबे यार मेरी गलती नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मैं उसे वापस ले आया, और क्या करता मैं? भाई 5 दिन हो गए तुझे गए हुए, मैं स्टेशन पे गया था, तू तो मुझे मिला नहीं, पर ये दोनों मुझे वहां मिल गए, तो मुझे भाई फैमिली मैटर था, लाना तो पड़ा ना यार। अरे भाई तुम दोनों ने लगवा दिए। एक काम करता हूँ, मैं भी अपने खानदान में पता कर लेता हूँ। क्या पता मेरी बुआ का लड़का, मेरा ताऊ, मेरा दादा कोई बुढ़िया लेके भागा हो, पता कर लेता हूँ ना। ये घर तोड़ी ना है, ये तो धर्मशाला हो गई है। तो यार घंटे क्या बोल रहा है? अच्छा कितने दिनों के लिए आए? पता नहीं। ले, पता नहीं। अब यार एक काम कर सकते हैं, लेकिन क्या? देख जैसे मैंने तुमसे समरीन कुछ बताया था ना, ऐसे हम तीनों को मिलने ही नहीं देंगे। और अगर वो मिल लिया हो तो? क्या? अबे भाई हम तीनों ऊपर और वो तीनों नीचे। अबे समझा बोल रहा है। भाई अगर हम दोनों के यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं यार दिक्कत कोई नहीं है, पर एक बार बात सुनियो मेरी। मैं एक मिनट आता हूँ।
भाई आजम है ना, कोई घर पे आता ना तो उसको पसंद नहीं है। तो भाई मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। नहीं क्यों, साले उसके अकेले का रूम थोड़ी है, मैं भी तो बराबर रेंट देता हूँ। बस तू उसके रूम में मत जाइयो, ठीक है? समरीन यार एक ना प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो गोटी है ना, वो अपने कजन को लेके आ गया है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके सामने भी जाओ, तो प्लीज़ अब से ना तुम सिर्फ इसी कमरे में रहना, इससे बाहर मत निकलना। आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर यहाँ पे रहना है तो ऐसा करना पड़ेगा, प्लीज़। थैंक यू। आया चाय पीनी हो ना वो खुद बना ले। अबे ये दो चाय क्यों लेके जा रहा है अंदर? तुमने क्या करना है? चाय तू पी जा। तुम खाओ भाई, वैसे ही पूरे घर का बारात घर बना रखा है, पूरे दिन चढ़ते रहते हैं। घंटे आजम का? आजम तो मार्केट गया है। अच्छा, मुझे ना वॉशरूम जाना है तो तुम प्लीज ध्यान रखना कोई वॉशरूम पे ना आए। अरे तुम टेंशन मत लो, वैसे भी आजम ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया, वो बंदा इस रूम और बाथरूम की तरफ देखता तक नहीं है। ठीक है। यार दीक्षा कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट और। और जल्दी करो ना, मुझे ससुर जाना है। अरे तो तुम दूसरे वॉशरूम चले जाओ ना। यार दूसरा वॉशरूम तो आजम का है, कैसे चला दो? तो वैसे ही मुंह खुला रहता है मुझे देखते ही। तो फिर 10 मिनट वेट करो। अरे यार घंटा भाई वो एक्चुअल में ना क्या नाम है आजम किधर है? आजम बाहर गया है। चलो फिर ठीक है। क्या ठीक है? अरे वो अंदर वाले वॉशरूम में ना तुम्हारी भाभी गई हुई है, तो सोचा आजम का वॉशरूम यूज कर लेता हूँ। नहीं जा सकता तू। अरे भाई अंदर जाने दे, बहुत तेज चूचू आ रहा है। नहीं जा सकता ना, बोल दिया एक बार। अरे भाई क्यों नहीं जा सकता, अब तो आजम भी नहीं है घर पर। आजम को पता चलेगा तो वो मुझ पे गुस्सा करेगा ना। अरे भाई तू नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, अंदर जाके फ्लश भी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता तेरी वजह से मेरा दोस्त का मूड खराब हो। अब ना यार तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, वैसे भी इस घर में मेरा भाई भी रेंट देता है, तो समझ में नहीं आ रही क्या? मैं नहीं जा सकता। मेरे को सुसु जाने दे यार। नहीं जाने दूंगा। ओए क्या हुआ? अरे भाई मरीन वॉशरूम में थी और इसे भी उसी वॉशरूम में जाना था। क्या भाई बंद करो, भाई बंद करो, पहले तू उसे लेके आया फिर ये उन दोनों को लेके आया। भाई ये घर का मीत कपूर का सेट ज्यादा लगता है भाई, ड्रामा ही ड्रामा। भाई बहुत हो गया, उसको बोल जाएगी यहाँ से। यार घोटी कैसी बातें कर रहा है, कहाँ जाएगी वो? तो भाई जिंदगी भर यही रहेगी क्या? अबे यार तू उन्हें बोल देना जाने के लिए, वैसे वो तो जा भी सकते हैं। भाई वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। और यार क्यों पागल हो रहा है, क्या लगती है वो तेरी? भाई अच्छी लगती हूँ मुझे, प्यार करता हूँ मैं उससे। क्या? हाँ भाई प्यार करता हूँ, और कहाँ लेके जाऊंगा उसे? बाहर लेके जाऊंगा तो वो सुल्तान उससे शादी कर लेगा, बोल कहाँ लेके जाऊँ? भाई गोटी मैं तो पहले से बोल रहा था ये प्यार में पड़ गया उसके। तो अब क्या करना? क्या करना है भाई? भाई देख मैं उसे संभालता हूँ, तो अपने कजन को समझ, और जितनी जल्दी हो सके ना उनसे बोल जाए, वो जा सकते हैं यार।
आजम सुन, अब मैं तेरे साथ हूँ, तूने उसे बताया तू उसे प्यार करता है? नहीं बताया यार, और बताने का क्या फायदा, वो अभी तक उसे नहीं भूल पाई। मेरा बताना ना बताना कोई मैटर नहीं करता, मैं इसे संभालता हूँ, तू अपने कजन को संभाल, और प्लीज यार जितनी जल्दी हो सके ना इन्हें भूल जाए। अरे यार इतना परेशान मत हो, वो उसका कजन था, बट हमने बात संभाल ली, टेंशन मत लो। बात वो नहीं है, मैंने ये आवाज पहले कहीं सुन रखी है। क्या बात कर रही हो यार, ऐसा मत बोलो, अगर ये कोई जान पहचान का निकल गया ना तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। क्या मैं इसे मिल सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया ऐसा? इसकी आवाज आयुष्मान जैसी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साले के सामने मैं तो अकड़ में रहता हूँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। क्या नहीं यार समीर, अगर ये कोई और निकल गया ना तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ गोटी से इसका नाम पूछता है, ठीक है? एक मिनट दो। ओके। एक मिनट। अबे गोटी, ये तो तेरा कजन है, इसका नाम क्या है? क्या हुआ? वह नाम बता रहा, नाम क्या है? आयुष्मान। और ये कहाँ से? इंदौर से है, हुआ क्या है? क्या नाम है उसका? आयुष्मान। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं उसकी आवाज पहचान गई थी। लेकिन फिर भी समझे, एक लास्ट कंफर्मेशन के लिए कि ये वही मतलब तुम्हारा वाला आयुष्मान है, मैं उसे ना बाहर चेयर पे बिठाता हूँ, और तुम दरवाजे के पीछे से देखना कि ये वही आयुष्मान है, सिर्फ एक लास्ट कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। समीर, तुम यहाँ कैसे? आयुष्मान, तुम इसे कैसे जानते हो? कौन है ये? पुलिस, विधायक, विधायक का लड़का सब इसके पीछे है। ये तेरे इंदौर घुमाई साला कहां कहां भटक रही है ये, और तू इतना बड़ा नीचे की दूसरी लड़की के साथ भाग रखा है। आदम थोड़े से, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है जो दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब करके बैठा हुआ है, ये तेरा भाई है। आदम थोड़ी से, गोटी से बोल,
इस पे बोल यहाँ से जाए, वरना अब जो होगा ना वो बहुत बुरा होगा। क्या लगती है वो तेरी? होती है, तू बोल रहा है, ये तू बोल रहा है। चल हम कितने भी कमीने हो सकते हैं, कितने भी नीच हो सकते हैं, लेकिन हमारे सामने दो लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है ये हम देख सकते हैं क्या? बोलना देख सकते हैं क्या? ये तो मेरा भाई है, पर वो तेरी क्या लगती है? अरे यार मत लड़ो भाई। एक सेकंड, क्या बोला दोबारा बोल। ये तो मेरा भाई है पर वो तेरी क्या लगती है? ये मेरी क्या लगती है? तुझे नहीं पता ये मेरी क्या लगती है? तुझे बताया था ना प्यार करता हूं मैं इससे? नहीं देखी जा इसकी हालत, बताया था ना तुझे? इससे बोल अभी के अभी यहां से जाए, वरना अब जो होगा ना बहुत बुरा होगा। तुझसे घटिया बंदा मैंने जिंदगी में देखा। और भाई ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तू ये चीज कबूल कर सके कि तू उससे प्यार करता है। कोटी से बोल, इससे बोल कि अभी के अभी यहां से चला प्लीज। मैंने आयुष्मान को भगा दिया है, चाहे फैमिली या और कुछ, मैं नहीं चाहता किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो। और उस दूसरी लड़की का क्या? उसे मैं छोड़ के आऊँगा। और मैं समरीन को छोड़ने जा रहा हूँ। पर कहाँ? उसके घर। भाई पागल मत बन, वहां जाते ही तुझे मार दिया जाएगा। अब यार कुछ नहीं होगा यार गोटी, मैं सब संभाल लूंगा। भाई कुछ नहीं संभालने वाला, सुल्तान नाम है उसका, सीधा ठोक देगा तुझे। तो क्या करूं, शादी हो जाने दो उससे उसकी। हां तो वहां जाके कौन सी तू शादी रोक लेगा, इससे बढ़िया तो तुम दोनों भाग जाओ। अब मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, ये डिसीजन उसका होगा मेरा नहीं। और वैसे भी वो मेरे साथ में थोड़ी ना भागना चाहेगी। भाई कहां कौन सी लाइन में जा रहा है भाई, ये रियलिटी है, कोई फिल्म नहीं चल रही यहां पे। भाई जाते ही ठोक दिया जाएगा वहां पे। यार मुझे नहीं पता, मैं सब देख लूंगा, मैं जा रहा हूं। अबे साले तू क्या देखेगा, देखेंगे तो हम तेरी लाश। तो तू नहीं मानेगा? हाँ भाई नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूं। घंटे एक काम कर, तू इसके साथ जा। मैं क्यों जाऊं साले, तू क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैं दीक्षा को छोड़ने जा रहा हूं। ओ भाई मेरी टेंशन मत लो, तुम अपना देखो, मैं जा रहा हूं और मैं सब ठीक कर दूंगा।
अच्छा तू था जिसने सुल्तान के घर की इज्जत और घर की इज्जत छोड़ तूने सुल्तान की इज्जत की वाट लगा दी। नवाब लगा इसके सर पे बंदूक और पहुंचा इसे परलोक। अगर तूने इसको मारने की कोशिश की ना तो मैं तेरी कभी नहीं हो पाऊंगी। अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है तो इसको छोड़ दे। क्या कर रही हो? वारे आस की सलाम। फैन भी तो मुन्ना भैया के हैं। क्या था रे वो डायलॉग मुन्ना भैया का? चला तुम्हें मुन्ना भैया का डायलॉग याद नहीं है? मुन्ना भैया ने कहा था कि सूटी अगर मोहब्बत तुमसे ना होती तो हम दोनों को निपटा देते। बख्श दिया, लेके जाओ ना इसे। मेरा मतलब फेंक क्या उसे? नहीं नहीं। तुम सारे तैयारी करो शादी की। सबको पता लगना चाहिए कि सुल्तान की शादी है। करो तैयारी सारे। और सुनो, उन लोगों की बुलाओ जो उस दिन मंडप में शादी में शामिल थे। उन्हें भी पता लगे कि दुल्हन भी वही है और शादी वही है और सुल्तान भी वही है। जाओ। साले मना करा था, मत जा। काली पीली फूट के आ गया ना, अब मैं वो टेंशन दे रहा है। किया था ना जाने को, देख ले क्या हालत हो गई थी। तू प्यार करता उससे? हाँ पापा। और वो सुल्तान, अगर तूने इसको मारने की कोशिश की ना तो मैं तेरी कभी नहीं हो पाऊंगी। अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है तो इसको छोड़ दे। मैंने पूछा, वो भी प्यार करती है तेरे से? हाँ पापा। तो तू यहां क्या कर रहा है? जाओ उसे लेके आ। मैंने कहा जाओ उसे लेके आ। अबे सच में उसका बाप है भाई? लेके तो इसके घर से ही आया, वहीं बैठा हुआ था, पर बातें देख के तो नहीं लग रहा मुझको। अरे अंकल जी ये क्या बोल रहे हो? अगर ये वहां गया तो ये मारा जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, शेर है मेरा बेटा। पर अंकल नहीं गोटी, मैं जा रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा। बस जब तक मैं घर ना आ जाऊं पापा का ध्यान रखना। पापा का छोड़ के कहीं मत जाइए। और मेरा और सुन, सुबह का नाश्ता साथ में करेंगे ठीक है? रुको, सुमिन कैसा घटिया आशिक पाल रहा है। मैंने इसे छोड़ा था ताकि ये जिंदा रह सके, लेकिन साला ये मौत के मुंह में फिर दोबारा आ गया।
तुझे पता मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मैं अपनी शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहता था। लेकिन लेकिन अगर तू उसे सच्चा प्यार करता है ना, उठ और लड़। और कसम मुन्ना भैया की, अगर तूने मुझे गिरा भी दिया ना तो ये तेरी। ना, देख इसकी आंखों में आंसू है, रो रही है तेरे लिए। उठ आ जा। चल बेटा, अब तू यहीं पड़ा रहे और तेरी आंखों के सामने, और इसके साथ मैं फेरे लूंगा। इसके बाद विदाई होगी तेरी भी और इसकी भी। देख सुल्तान, देख मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे जिंदा बच के कभी नहीं जा सकता, लेकिन मेरे होते हुए ना तू इससे कभी शादी नहीं कर पाएगा। शकल देख उसकी, वो तेरे साथ कभी कुछ नहीं रह पाएगी, कभी भी नहीं। उसमें उसकी क्या गलती है कि तू उससे प्यार करता है? वो तो तुझसे प्यार नहीं करती ना, नहीं करती वो तुझसे प्यार। वो तो तेरी शकल देख के भी डरती है। वो जीते जी मर जाएगी यार, वो जीते जी मर जाएगी मेरे भाई। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज सुल्तान हमें जाने दे, वरना वंडा यहाँ सिर्फ ये नहीं मरेगा, मैं भी इसके साथ मरूंगी। चुप, मुझे इसका वरना सुनना है। तू बोल वरना तू क्या करेगा? वरना या तो तू मरेगा या मैं, और अगर मैं मरा ना तो भी ये तेरी नहीं हो पाएगी। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो, लेकिन बहुत डेयरिंग है तू, मान गया तेरे प्यार। तुझे भी पता है कि तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं आ सकता, फिर भी तू यहाँ। पर अब जाए, तुझे पता है मैं भी इससे बहुत प्यार करता था, इसके बाप से जबरदस्ती हाँ करा ली थी, लेकिन शादी वाले दिन ये भाग गई। मन में ऐसा गुस्सा था ना कि जहां मिल गई वहीं ठोक दूंगा, लेकिन आज इसकी आंखों में आंसू देख के मैं समझ गया कि इसे पाके भी मैं नहीं पा सकता। तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, ले जा। एक घुसा तेरा ज्यादा हो गया था, अभी सब बराबर। कोई नहीं भाई, वैसे हम दोनों ना बहुत जल्दी शादी करेंगे, तो प्लीज शादी में जरूर आना। भाई शादी तो तेरी अभी होगी। मतलब इश्क का रंग सफेद पिया ना, चलना कपट ना भेद पिया, रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश
होया रेत पिया रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा उस जंग का मैं तो जुनद पिया जुनद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनु जोगी होना मैनु जोगी होना मैनु जोगी होना मैनु जोगी होना। सो हे गाइस गाइस कैसी लगी वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कर देना वीडियो को और हमारे चैनल आजम खान को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो भी शॉर्ट मूवी हो वो आपके पास तक आ जाए। और गाइज जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के मिड में कैश करो बहुत सारे डिस्काउंट हैं, जाके चेक करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा कूपन कोड यूज करो आजम 25, अभी साइन अप करने पे आपको मिलेगा 25 का साइन अप बोनस, तो जाओ डाउनलोड करो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और यार मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, लव यू गाइज और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, लव यू गाइज।